ये मेरा दूसरा नींबू का एयर लेयरिंग से तैयार करा हुआ 1.5 साल का पौधा है। इसे मैंने ड्रम काट के आधे ड्रम में लगाया है, अब फूलों से पूरा भरा हुआ है। पिछली बार इस पर कम फूल आए थे, कम फल आए थे, लेकिन अब इस बार इस पर भरपूर फूल आ रहे हैं और पौधा भी बहुत बड़ा हो गया है। ये ड्रम में लगा हुआ है तो इस वजह से ये बहुत बड़ा पौधा है। आप देख रहे हैं कितना फूल आ रहा है। इस पर मैंने 1-1.5 महीने के करीब हो गए जब मैंने इसमें सरसों की खली की खाद लगाई थी। करीब 100 ग्राम सरसों की खली लेके उसे भिगो के 2-3 दिन भिगोया था, उसके बाद मैंने इसे खाद के रूप में दिया था। डेढ़ साल का पौधा ये ड्रम में लगा हुआ है और इतना बड़ा है। अब मैं इसकी गुड़ाई करके और इसमें एक ऐसी चीज़, छोटी सी चीज़ बताऊंगी जिसे लगा के इसके ना तो फूल झड़ेंगे और फल फूल भी जल्दी से गिरेंगे भी नहीं और फल में कन्वर्ट होंगे। अब मैं गुड़ाई करके दिखाती हूँ। पहले तो मैं इसके ये नीचे जो पचड़ हो गया है, ये सूखे हुए पत्तों को हटा देती हूँ। वैसे तो ये सूखे पत्ते पड़े भी रहें तो इसकी खाद बन जाती है, इसी में मिल जाता है, लेकिन मैं इसे हटा देती हूँ, गमले को साफ कर लेती हूँ। मेरे पौधों से जितना भी पतझड़ होता है मैं उसे कभी फेंकती नहीं हूँ, मैं इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ जिससे कि उसकी खाद बन जाती है। चाहे चाय की पत्ती हो या फलों सब्जियों के छिलके हों या जितने भी मेरे पौधे हैं उनका पतझड़ हो के और पत्तियाँ गिर गई हों, इस तरह से मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। ये मैंने अपना नींबू के पौधे का जो ड्रम है इसको मैंने साफ कर दिया है। अब मैं हल्की हल्की इस पर गुड़ाई कर दूंगी क्योंकि इसकी ये जड़ें ऊपर तक फैल रही हैं। ये अच्छी बढ़वार पर है, गुड़ाई करके फिर मैं इसमें खाद लगा। ये है वो छोटी सी चीज़, इसे सुहागा कहते हैं। ये पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाता है और बहुत ही सस्ता आता है, 5 रुपये में या 10 रुपये में ये आ जाता है। ज़्यादा लो तो फिर उसके ज़्यादा पैसे लगते हैं, ये छोटा सा टुकड़ा तो 5-10 रुपये में ही आ जाता है। मैंने इसको पीस लिया है अच्छी तरह से। अब मैं 2 ग्राम के करीब होगा, ये 2-3 ग्राम के ही करीब होगा, मैं अब इसको डाल देती हूँ। मैं ऐसे ही सूखा डालूँगी और सूखा डाल के ऊपर से पानी दे दूँगी। अब पानी में घोल के डाल दें या पीस के सूखा डाल के और पानी लगा दें। मैंने ये सूखा डाल दिया है, अब मैं इसमें पानी लगा देती हूँ। कुछ नींबू तो इस पर पहले से भी लगे हुए हैं, जैसे इसी तरह से इस पर कई नींबू लग रखे हैं और जो फूल आ रहा है वो भी फलों में कन्वर्ट हो रहा है। ये शहद की शीशी है, इसमें शहद है। मैंने ये बोतल ली है, इसमें पानी भर लिया है। ये 2 लीटर की बोतल है, इसमें मैं कुछ शहद डालूँगी। ये थोड़ा सा शहद डाल के और मैं इसे अच्छे से हिला के और नींबू के पौधे पर और जो भी फल वाले पौधे हैं उन पर छिड़काव करूँगी, जिससे मधुमक्खियाँ आएंगी और पॉलिनेशन अच्छे से होगा और फल भी बहुत अच्छे आएंगे। मैंने ये 2 चम्मच शहद डाल के 2 लीटर की बोतल में अच्छे से हिला लिया है, अब मैं इसका छिड़काव कर देती हूँ। ये मेरा ड्रम में लगा हुआ दूसरा नींबू का पौधा है, इस पर भी मैं इसका छिड़काव कर देती हूँ पूरे पे। मैं अपने दोनों पौधों पे जो गमलों में लगे हुए हैं अच्छे से छिड़काव कर दूंगी। शहद का छिड़काव कर रही हूँ मैं, पानी में शहद मिला के। इससे खूब ढेर सारी मक्खियाँ मधुमक्खियाँ आएंगी और पॉलिनेशन अच्छा होगा, अच्छे फल बनेंगे, फूल गिरेंगे नहीं। मैं शहद का छिड़काव कर रही हूँ। मैंने नींबू का पौधा पूरा ही शहद के पानी से नहला दिया है। शहद डाल के मैंने पूरे ही पौधे पर छिड़काव कर दिया नींबू पर।